A very warm good morning to all of you. आप सभी का बहुत स्वागत है IAS PCS by example के YouTube चैनल पर. मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी. बच रहे हैं सुबह के 4:30. आज है सैटरडे का दिन और आ गया है वीकेंड. तो क्या प्लान है आप लोगों के? क्या प्लान है? पढ़ाई लिखाई करने का कुछ प्लान है कि नहीं है? वैसे तो मैं पढ़ाती पॉलिटी हूँ, पर फिर से बता देती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ. सुबह 4:30 बजे आपको शॉर्ट में, क्रक्स में जो भी करंट अफेयर से संबंधित अपडेट होती है उस पर मैं क्या करती हूँ, वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ. चलिए, ये महिला कौन है? इन महिला का नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अंजू बॉबी जॉर्ज नाम है इन महिला का और इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है. तो इन्हीं महिला के बारे में बात करेंगे कि कौन है अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, और उन्हें क्यों वर्ल्ड एथलेटिक्स का वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला. और फिर अब चलो वर्ल्ड एथलेटिक्स की भी बात हो गई है तो वर्ल्ड एथलेटिक्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे. अब इन सारी की सारी जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए सेशन के साथ. और सेशन स्टार्ट करने से पहले यार थोड़ा सा एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो. इतना बेहतरीन करंट अफेयर लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी दुनिया में ही आप लोग खोए रहते हैं. चलिए एक और अपडेट. कल की क्लास में मैंने बताया था कि एक सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, तो क्लास के लास्ट में उस सरप्राइज से पर्दा खुलेगा कि वो सरप्राइज क्या है, किसके बारे में सरप्राइज एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है. पर अभी जो भी बच्चे IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी की तैयारी, उन सभी के IAS PCS बनने के सपने को सार्थक करने के लिए एग्जामपुर लेकर के आया है सार्थक बैच. इसमें आपकी प्री कम मेंस की तैयारी कराई जाएगी. और शॉर्ट में बता दूं कि इस कोर्स का प्राइस रखा गया है केवल 14999, ठीक है, इस कोर्स का प्राइस रखा गया है 14999 प्राइस रखा गया है, केवल मात्र 14999. अब आप अगर बाकी जगह जा करके, चाहे दिल्ली आ करके, चाहे कैसे भी करके अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो इसके आगे क्या है, इसी प्राइस के आगे एक और डिजिट बढ़ा लीजिए, ठीक है, एक जीरो लगा लीजिए, एक 9 लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, इतनी ज़्यादा फीस होती है. तो आप लोगों के लिए 14999 में क्या किया गया है, सार्थक बैच अवेल कराया गया है. और आपको इतने कम प्राइस में भी और कम प्राइस पर आप सार्थक अवेल कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी है. आपको क्या करना है, मेरा कूपन कोड लगाना है SANK10 और इससे आपको 14999 में इंस्टेंट 10% का ऑफ भी मिल जाएगा. चलिए अब बाकी जानकारी आगे देते हैं. पहले बात कर लेते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज की कि इन महिला को क्यों मिला है वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड. ये देखिए, इंडियन एथलीट है, ठीक है ना, इंडियन एथलीट है. चलो, कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज. देखो, महिलाएं बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत फिनोमिनल काम कर रही हैं, है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत फिनोमिनल काम कर रहे हैं, ठीक है. माँ तिलदा कुल्लू के बारे में अभी दो चार दिन पहले की ही बात है, वो भी कवर किया था कि डब्लू पावर जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 20 मोस्ट पावरफुल सेल्फ मेड वुमेन की, उसमें माँ तिलदा कुल्लू जो कि आशा वर्कर थी उनका नाम आया था. तो बार बार कहती हूँ कि देखो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ नहीं आता है, ठीक है. प्रेडिक्टेबिलिटी ऐसी ही लगाई जाती है. UPSC या फिर स्टेट PCS या कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी वैसे ही करंट अफेयर्स पूछती है जो न्यूज़ करंट में होगी ना. तो अब अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स न्यूज़ में है, अगर अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो न्यूज़ में है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, प्री कम मेंस के लिए, ये जो क्लास मैं आप लोगों की लेती हूँ सुबह 4:30 बजे, वो प्री कम मेंस के लिए होती है. स्लाइड्स आपकी हिंदी इंग्लिश में होती है, बोलती मैं हिंदी में हूँ ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चों को फायदा हो. और दोनों लैंग्वेज के बच्चे क्या करें, जो एक आपकी दूसरी लैंग्वेज क्या है थोड़ी सी वीक है, उसको भी, उस पर भी कमांड अच्छा कर ले. चलो, अंजू बॉबी जॉर्ज है वो क्या है, इंडियन एथलीट है. उन्होंने क्या जीता है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2021 का, किसकी तरफ से, वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से, ठीक है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से ये अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है. अब बार बार मैं एक ही नाम या एक ही चीज को दो तीन बार इसलिए दोहरा देती हूँ कि आपको ये चीज
इसी क्लास में 10-15 मिनट के स्पैन में ही दिमाग में बैठ जाए। अगली बार बोलोगे कि मैम ऐसे मत पढ़ाओ, तो वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, कुछ लोगों को ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। अब क्यों मिला है, देखो, फॉर ग्रूमिंग टैलेंट एंड एनकरेजिंग यंग गर्ल्स इन इंडिया टू टेक अप स्पोर्ट्स एंड फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। मतलब कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो इंडियन एथलीट तो हैं ही, लेकिन उनको इसके लिए अवार्ड नहीं मिला है वुमेन ऑफ द ईयर का। उन्हें क्यों मिला है अवार्ड वुमेन ऑफ द ईयर का, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है भारत में जो यंग लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि जाओ आप भी स्पोर्ट्स को एज अ करियर परस्यू कर सकते हो, ठीक है। आप जाओ, आप भी स्पोर्ट्स खेलो, आप जाओ और जेंडर इक्वालिटी की, लिंग समानता की बात करो, ठीक है ना, लिंग समानता के पक्ष में आवाज उठाओ। तो इन सारी चीजों में अंजू बॉबी जॉर्ज ने बहुत फिनोमिनल काम किया, इसलिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में लिखा हुआ है कि 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें वो क्या रही हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं। कांस्य पदक उन्होंने जीता था किसमें, लॉन्ग जंप में, ठीक है ना, ठीक है, लॉन्ग जंप में उन्होंने, किन्होंने, अंजू बॉबी जॉर्ज ने क्या जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था 2003 में। और क्या है कि वो उस तभी से, जब से उन्होंने ये अवार्ड जीता उसके बाद से भारत में जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, इस बात के सपोर्ट में अंजू जॉर्ज जो हैं वो आवाज उठाती रही हैं। देश में जो लिंग के आधार पे असमानता फैली हुई है उसके खिलाफ आवाज तब से ही वो उठा रही हैं और बहुत फिनोमिनल काम कर रही हैं। चलो अब देखो, एक बार और तस्वीर देख लो भाई, पहचान लो, पता नहीं कब कहां कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्या किया इन्होंने कि पहले तो वो क्या थी, इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्ग जंप है ना, लॉन्ग जंप का जो स्पोर्ट होता है उसको परस्यू किया हुआ था, लॉन्ग जंप में थी वो। लेकिन फिर ऑफ कोर्स एज एक फैक्टर होता है, तो उन्होंने फिर क्या किया, वहां से स्विच करके वो कहां गए, उन्होंने अपनी एक एकेडमी खोल ली, ठीक है ना, अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी खोली जहां पे क्या करती है वो स्पोर्ट्स में लड़कियों को, जो भी यंग गर्ल्स हैं उनको ट्रेन करती है 2016 से, ठीक है ना। तो 2-3-4 बातें हो गई यहीं पे, आर्टिकुलेट आप लोगों का ज्यादा बेहतर तरीके से हो इसलिए बार बार ऐसे 1-2-3-4 करके पॉइंट्स में बता देती हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, अंजू बॉबी जॉर्ज क्या है, इंडियन एथलीट है, ठीक है। उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा स्पोर्ट खेलती थी, लॉन्ग जंप में थी वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2003 से ही जेंडर इक्वालिटी के पक्ष में और यंग गर्ल्स स्पोर्ट्स में जाए इसके सपोर्ट में बहुत एक्टिवली काम कर रही थी। फिर 2016 में वो क्या करती है, एक ट्रेनिंग एकेडमी भी खोल लेती है, ठीक है, ताकि क्या हो, यंग गर्ल्स जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं उनको ट्रेनिंग मिल सके, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और इस एकेडमी ने अंडर 20, ठीक है, जो वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप वगैरह होती है ना उसमें कई सारे मेडल भी क्या करे हैं, लेकर के आया है, लेकर के आई है इस एकेडमी की जो यंग गर्ल्स हैं, ठीक है। और इस एकेडमी को एस्टेब्लिश किसने किया है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2016 में। चलो आगे देखो, अब क्या है, फिर वही चीज की जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करती हैं और क्या करती हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं वो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहें, स्पोर्ट्स में आए, उनको माँ बाप पीछे ना रखें, या फिर माँ बाप के मन में जो ये बहुत सारे अभी भी स्टीरियोटाइप होता है ना कि अरे लड़कियां हैं, अरे स्पोर्ट्स से थोड़ी ना जीवन बन जाता है, ये सारी चीजें, तो इसके कारण क्या हो, या फिर खेलकूद लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ है, इन सारी चीजों से वो सोशल स्टिग्मा से अंजू जॉर्ज जो है वो फाइट कर रही है। और जो बच्चियां आना चाहती हैं स्पोर्ट्स में उनको बहुत बेहतरीन क्या दे रही है, ग्राउंड दे रही है, गाइडेंस दे रही है, ठीक है। चलो, तो क्यों उनको मिला है अवार्ड, ये भी बता दिया, कौन है यह भी बता दिया, और उन्होंने कितना फिनोमिनल काम किया ये भी सारी बातें बता दी। अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, है ना। अगर आप लोगों ने ध्यान से लेक्चर सुना होगा, सुबह के 4:30 बजे नींद नहीं आ रही होगी और आंख और कान दोनों खोल के सुना होगा, तो मैंने बार बार बोला कि ये जो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है अंजू बॉबी जॉर्ज को किसके तरफ से मिला है, वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से। तो इसका मतलब है ना कि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स जो मैं बोल रही हूँ वो किसी संस्था का नाम है ना। तो चलो आगे देखते हैं ये किस संस्था का नाम है। देखो, ये जो लोगो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स का लोगो है। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में जान लेते हैं कि ये संस्था क्या है। तो देखो, ये इंटरनेट स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, ठीक है ना, एथलेटिक्स के लिए
एथलेटिक्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, जैसे इंडिया में BCCI है या ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसे ही करके जैसे क्रिकेट के लिए BCCI है या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, तो एथलेटिक्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो एक गवर्निंग बॉडी है वो क्या है, उसका क्या नाम है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, यही नाम है हिंदी में, आपको ऐसे लिख देगा बस, वर्ल्ड ऐसे लिख देगा बस, लेकिन नाम यही रहेगा। आपको लगे अगर कि इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा तो भूल जाओ भाई साहब, अब कोई संस्कृति मैम का नाम संस्कृति है तो कोई अंग्रेजी में ये थोड़ी ना बोलेगा कि कल्चर मैम, है ना, सब संस्कृति बोलेंगे, बिल्कुल वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेम रहेगा। इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक क्या है, संस्था है। अब देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स के ना कई बार नाम बदल चुके हैं, ठीक है, कई बार नाम बदल चुके हैं। सबसे पहले यहीं पे लिख के बता देती हूँ 1912 में क्या हुआ था, ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी, आगे की स्लाइड में है भी लेकिन फिर भी लिख देती हूँ। 1912 में वर्ल्ड एथलेटिक्स बना था, तो 1912 के समय में वर्ल्ड एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम था, इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, 1912 से लेकर के और 2001 तक इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये था, ठीक है, पहले इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन, इसके बाद क्या हुआ 2001 के बाद फिर से नाम बदला और क्या हो गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन हो गया 2001 से 2019 तक। फिर 2019 में क्या हुआ कि ये जो नाम था, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, उसको बदल करके कर दिया गया क्या, वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। तो तीनों रमेश ही सुरेश है, सुरेश ही महेश है, ठीक है, तीनों सेम है, लेकिन आपको याद रखना है इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है, एकदम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो IAAF इसका फुल, इसका शॉर्ट फॉर्म था, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन हो चाहे वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन हो, दोनों के दोनों जो नाम थे वर्ल्ड एथलेटिक्स के पहले, उनका क्या शॉर्ट फॉर्म था, IAAF था। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने IAAF सुना होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या, एथलेटिक फेडरेशन सुना होगा, तो ये अब क्या हो गया है, IAAF अब बन गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। 1912 में 18 जुलाई 1912 में वर्ल्ड एथलेटिक्स का क्या हुआ, इस संस्था का निर्माण हुआ, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मोनाको में है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन एथलेटिक्स से जुड़ी हुई थी इसलिए एड ऑन कर दिया, लिख लेना कॉपी में, लिख लेना, नोट्स बना लेना। और आप लोगों को अगर जरा लगता है कि ये सेशन वर्थ है आपके एक लाइक का, आपके एक कमेंट का, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का, प्लीज जरा सा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कम से कम 1K+ व्यू तो पहुंचाओ, कि इतना भी नहीं करना है, हाँ इतना भी नहीं करना है यार, फिर ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन हम लोगों का भी जाता है, ठीक है। चलो तो दैट्स इट, इतना ही था अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में, उनको जो अवार्ड मिला उसके बारे में और क्यों मिला उसके बारे में, और उस वो अवार्ड जिस संस्था के तरफ से मिला है उस संस्था के बारे में भी, और एक इंटरनेशनल डे के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करना है आप लोगों को, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहली बात तो मैं बार बार कहती हूँ, थोड़ा लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। ऐसे ही सेशन अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ना लेके आऊं, बंद करवा दूं, जरा लिख करके बताना हाँ या ना, ठीक। और मोनाको कहाँ पे पड़ता है इसके बारे में लिख के बताना, ये कोई देश है, सिटी का नाम है, क्या है, मोनाको के बारे में थोड़ी सी जानकारी पॉइंट में, जैसे ये 2-3 पॉइंट है वैसे लिख के बताना कि मोनाको क्या है। अब ये मोनाको बिस्कुट नहीं है जो खाते हैं, ठीक है ना, जो चाय में खाते हैं ना डिप करके, वो नहीं है ये, इतना पहले बता दे रही हूँ। कोई बच्चा ये मत लिख देना कमेंट बॉक्स में कि मैडम ये वो 10 रुपए वाला जो पीले रंग का पैकेट आता है ना मोनाको, वो वाली बिस्कुट है ये, ठीक है। और ये शिनचैन की एक दीदी थी ना मोनाको दीदी, वो भी नहीं है, ये कोई जगह का नाम है। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है ये कौन सी जगह का नाम है। चलिए सार्थक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रही है। अगर आप बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्या करना चाहते हैं, अपने IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, आपको बहुत बेहतरीन चाहे नोट्स हो,
चाहे फैकल्टी हो, चाहे गेस्ट लेक्चर हो, चाहे वन टू वन गाइडेंस हो, चाहे और भी कुछ सारी चीज़ें हो, सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी केवल 14999 में सार्थक बैच के थ्रू। और 14999 भी आपने नहीं देना है, अगर आप कूपन कोड लगाते हैं SANK10 तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस के बाद भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो अमाउंट भी, तो 3 महीने 6 महीने 9 महीने की EMI अवेलेबल है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, और अगर कॉल भी नहीं हो रहा है तो क्या करिए, एक व्हाट्सएप कर दीजिए, टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए, आपको हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ये लो भाई, जिसका था तुम्हें इंतज़ार वो पल आ गया है। ये रहा सरप्राइज, जिसके बारे में मैं कल सुबह भी बात कर रही थी कि क्या यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज लेकर के आ रहा है एग्जामपुर परिवार। विवेक सर सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं और इस सरप्राइज में होगा गिव अवे, ठीक है ना। आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी क्या स्टडी मटेरियल, PDF, टेस्ट सीरीज। तो अब कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें जानने के लिए आपने क्या करना है, एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पे, अभी आप IAS PCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर हो, ठीक है, आपने जाना है एग्जामपुर चैनल पर, ठीक है, मेन चैनल पर। और क्या करना है, 5 दिसंबर को रात 8 बजे का इवेंट बना हुआ है, रिमाइंडर लगा लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और 5 तारीख को रात 8 बजे लाइव एकदम आ जाना है अपना सरप्राइज लेने के लिए। चलिए भाई, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं एग्जामपुर को, बाकी एग्जामपुर कहाँ कहाँ पे है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, हर जगह, लिंक्डइन पर भी है। कोई बच्चा अगर लिंक्डइन चलाता है तो भाई एग्जामपुर में बता दूं, एग्जामपुर लिंक्डइन पर भी है। तो क्या करो, जा करके एग्जामपुर कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाओ। और अगर आप इंडिविजुअली मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह हूँ, नाम मेरा संस्कृति है, चेहरा मेरा पहचानते हो, जाओ थोड़ा सर्च कर लो। चलो, रील के गाने बस सर्च मत किया करो कि ये वाला फिल्टर कौन सा लगा, गाना कौन सा लगा, कुछ बाकी चीज़ें भी सर्च कर लिया करो। आशा करती हूँ आप लोगों का आगे का दिन बहुत बेहतरीन जाएगा, बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। वीकेंड है तो थोड़ा आराम करिएगा, लेकिन वीकेंड को थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से क्या करिएगा, यूटिलाइज करिएगा। और अगर वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो करा लीजिए, ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे मंडे की सुबह 4:30 बजे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि मोनाको क्या है, ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, जरूर बताइएगा। ये जरूर बताएं कि ऐसे ही सेशन में आप लोगों के लिए और लेकर के आऊं, मैं ना लेकर के आऊं, कोई और फैकल्टी लेकर के आए। और एक और बात क्या, चलो छोड़ो, भूल गई मैं। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को सुबह 4:30 बजे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, हैव अ गुड डे।